हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 8 ओवर द प्रोबेबिलिटी. होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टेल डिस्कस नाउ. उसी के आगे हम लोग एक नए छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि आज उसको फिनिश भी कर लेंगे, जिसको ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट कहा जाता है. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी की वजह से अगर ये आपको नहीं पता होता है तो प्रोबेबिलिटी में आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे. केवल एक टर्मिनोलॉजी है तो उसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं और इसको आज फिनिश भी कर लेंगे. एक छोटा सा टॉपिक है जो ऑलरेडी हमें पता होता है, बस थोड़ा सा एक नया टर्म होता है वो सीखना होता है, बाकी प्रोबेबिलिटी निकालना तो आता ही. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले ले रहा हूँ, हाउ डू यू फाइंड ऑड्स इन फेवर. ओके, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट. ओके, ऑड्स इन अगेंस्ट यही टॉपिक है हमारा. तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी आता रहेगा तो आप इस टॉपिक को कर सकते हैं. और ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन एमसीक्यू में जब पूछ लेता है, अगर नहीं आता है ये किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है. तो भाई छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. हालांकि ये थोड़ा सा थियरी पोर्शन है, इसको अगर फिनिश करना हो तो दो लाइन में इसको फिनिश किया जा सकता है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट में. लेकिन ये थियोरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है. ओके, बाकी बातें तो पता ही हैं. ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ ऑड्स इन फेवर के बारे में. ओके, ऑड्स इन फेवर के बारे में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि द टर्म फेवर इज, ओके, द टर्म फेवर इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी, रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इन विच द इवेंट इज गोइंग, इवेंट इज गोइंग टू अकर सक्सेसफुली, going to occur successfully, that comes under favor. Okay, that comes under favor. बहुत ही बेसिक है. अगर हम बात करें कि ऑड्स इन फेवर की बात करें, तो जैसा कि सबको पता होता है कि ये इसके फेवर में है. फेवर में बात करने का मतलब ये होता है कि वो इवेंट अकर कर रहा है सक्सेसफुली. वो इवेंट क्या कर रहा है, अकर कर रहा है सक्सेसफुली. दैट्स कॉल्ड द ऑड्स इन फेवर. ऑड्स इन फेवर जस्ट अ टर्मिनोलॉजी. अगर ऑड्स इन फेवर पूछा जाता है दैट मीन्स कि वो इवेंट सक्सेसफुली क्या कर रहा है, अकर कर रहा है. ओके, अंडर द फेवर. ओके, अगर थोड़ा सा इसको और मैं लिखूं, इट ऑल्सो कॉल्ड, या ऐसे लिख सकते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट मैथमेटिकली एज, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स. ओके, फेवरेबल आउटकम्स. एक मिनट में अभी आपको समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है. ओके, अगर मैं ऑड्स इन फेवर की बात करें तो वो इवेंट सक्सेसफुली क्या हो रहा है, अकर हो रहा है, तो ऑड्स इन फेवर की बात करते हैं. ओके, तो ऐसा है कि कोई भी इवेंट है, अगर वो इन पर्टिकुलर इवेंट की हम बात करें, इन प्रोबेबिलिटी, अगर वो सक्सेसफुली अकर कर रहा है तो वो ऑड्स इन फेवर में है. या मैं ऐसा कहूं मैथमेटिकली, फेवरेबल आउटकम्स की बात करें. ओके, वी ऑलरेडी नो अबाउट द व्हाट इज द इवेंट्स एंड व्हाट इज द आउटकम्स एंड व्हाट इज द फेवरेबल इवेंट्स एंड व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम्स. ओके, सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो ऑड्स इन, ऑड्स अगेंस्ट. ओके, ऑड्स अगेंस्ट दूसरा टर्मिनोलॉजी ये है, ऑड्स अगेंस्ट. ओके, अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं तो इसके बारे में ये लिखा जा सकता है, द इवेंट इज नॉट going to occur successfully. वैसे भी ये पता है कि अगर फेवर की बात हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो उसको फेवर में है, दैट मीन्स कि सक्सेस. अगेंस्ट की बात करें तो वो उसके फेवर में नहीं है, दैट मीन्स कि नॉट अकर. ओके, नॉट सक्सेसफुली अकर. ओके, सक्सेसफुली दैट कम्स अंडर,
दैट कम्स अंडर ऑड्स अगेंस्ट, ओके इसको क्या बोलेंगे, ऑड्स अगेंस्ट। दैट पर्टिकुलर इवेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इवेंट्स, दैट पर्टिकुलर इवेंट, ओके। और मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, अगर मैं इसको बोलूं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अनफेवरेबल आउटकम्स, ओके, अनफेवरेबल अनफेवरेबल आउटकम्स, अनफेवरेबल आउटकम्स, ओके। तो एक लाइन में अगर मैं इनको समराइज करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ऑड्स इन फेवर की बात करेगा, दिस इज कॉल्ड द फेवरेबल इवेंट्स, ओके, जो हमारे फेवर में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, जितने होंगे वो ऑड्स इन फेवर में आएगा। ऑड्स अगेंस्ट की अगर हम बात करेंगे तो अनफेवरेबल इवेंट्स आएंगे, जो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। अब क्या होता है, इसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो हम देखेंगे। ऑड्स इन फेवर की अगर हम बात करें, ओके, मैथमेटिक्स में ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखेंगे ऑड्स इन फेवर। अगर हमसे पूछा जाए ऑड्स इन फेवर ये होता क्या है, एक्चुअली ये एक सिंपल रेशियो होता है। ये क्या होता है, एक सिंपल रेशियो होता है, वो किसका रेशियो होता है वो हम लिख लेते हैं, ओके। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल अकरेंस, फेवरेबल अकरेंस और सक्सेस, और सक्सेस फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट टू द, इवेंट टू द नंबर ऑफ, टू द नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, अनफेवरेबल आउटकम्स या आउटकम्स या अकरेंस बोल सकते हैं इसको, अनफेवरेबल अकरेंस, अनफेवरेबल अकरेंस और फेलोर, और फेलोर फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, ओके। बहुत ही क्लियर है, अगर ऑड्स इन फेवर की बात कर रहा है तो ये एक सिंपल रेशियो होता है, फेवरेबल अकरेंस अपॉन किसका, नॉन अनफेवरेबल अकरेंस, यानी कि अगर मैं फेवरेबल की बात करूं, यानी ऑड्स इन फेवर की बात करूं, सिंपल टर्म्स में ऑड्स इन फेवर अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस, ओके, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सक्सेसेस। आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो चीज फेवर में है दैट मीन्स कि सक्सेस वो कहाँ रहेगा, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में रहेगा नंबर ऑफ फेलियर्स, ओके, नंबर ऑफ क्या रहेगा, फेलियर्स, ओके, ये हमारा हो जाएगा ऑड्स इन फेवर, ओके। इसी तरीके से ऑड्स इन अगेंस्ट भी हम बात कर सकते हैं, ऑड्स इन अगेंस्ट की क्या होगा कि फेलियर ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, सक्सेस रहेगा, तो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी जो थ्योरी लिखी गई है उसका सिर्फ इतना मतलब है कि ऑड्स इन फेवर अगर बात किया जा रहा है तो नंबर ऑफ सक्सेसेस को हम न्यूमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि फेवर की बात हो रहा है तो फेवर का मतलब सक्सेस ऊपर रहेगा और फेलियर कहां रहेगा, नीचे रहेगा। ऑड्स इन अगेंस्ट की अगर हम बात करें तो अगेंस्ट की बात कर रहा है तो अगेंस्ट में क्या रहेगा, अगेंस्ट में फेलियर ऊपर रहेगा और सक्सेस क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम प्रोसीड करें यहां पे कि अगला पॉइंट जो हमारा है ऑड्स इन अगेंस्ट की अगर हम बात करें, ऑड्स इन अगेंस्ट किस तरीके से हम निकालेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाकी एक लाइन में समझ में आ ही जाएगा। ऑड्स इन ए अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनफेवरेबल, ओके, बहुत ही क्लियर है, उसमें फेवरेबल था तो इसमें क्या रहेगा, अनफेवरेबल अकरेंस, अनफेवरेबल अकरेंस और फेलियर, और फेलियर फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट,
फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट टू द नंबर ऑफ number of favorable occurrence or successes for that particular event. बहुत ही आसान है. odds in against की बात कर रहा है. अगेंस्ट का मतलब आपके फेवर में नहीं है. दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर इवेंट अकर नहीं करना चाहिए तो न्यूमिनेटर में हम वो चीज ले लेंगे. तो यहां पे अगर हम लिखें कि ऑड्स अगेंस्ट की अगर हम बात करें, ऑड्स अगेंस्ट अगर हमसे पूछा जाएगा तो अगेंस्ट का मतलब हमारे खिलाफ, यानी कि हमारे फेवर में नहीं है. तो फेवर में नहीं है तो नंबर ऑफ क्या रहेगा फेलियर. और ऐसा भी कर सकते हैं अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सक्सेस. तो एक लाइन में अब मैं इसको समराइज करूंगा. ओके, नंबर ऑफ सक्सेस एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज करूं तो बस ऐसा मैं कह सकता हूं कि अगर अगेंस्ट की बात करें तो फेलियर न्यूमिनेटर में रहेगा और फेवर की बात करेंगे तो सक्सेस न्यूमिनेटर में रहेगा. बहुत ही बेसिक है, एकदम आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता. ओके, इतना जो थ्योरी लिखा उसका सिर्फ एक ही निचोड़ है यहाँ पे कि अगर फेवर में बात कर रहा है दैट मीन्स कि सक्सेस न्यूमिनेटर में रहेगा और अगर अगेंस्ट बात कर रहा है तो फेलियर ऊपर रहेगा. बाकी टोटल नंबर ऑफ जो भी आउटकम्स होंगे वो कहाँ पर रहेगा, नीचे रहेगा. ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को भी यहाँ पे कोरिलेट करूँ, प्रोबेबिलिटी और ऑड्स में क्या अंतर होता है वो मैं समझने का यहाँ पे प्रयास करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को मिक्स करके पूछा जाएगा, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा अभी. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट there is a difference between the odds and the probability. वो मैं समझने का यहां पे प्रयास कर रहा हूं मैथमेटिकली कि यहां पे एक अंतर होता है odds in favor, odds in against या probability में क्या अंतर होता है वो हम समझेंगे यहां पे. ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये. तो अगर मैं यहां पे देखूं probability की अगर हम बात करें, ओके, बेसिक प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशंस में हम लोग क्या देखे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट स्टेट्स दैट it is the ratio of number of favorable outcomes or success. इसको मैं लिख सकता हूं success. favorable outcomes को क्या लिखेंगे, success, और अनफेवरेबल को क्या लिखेंगे, फेलियर. ओके, सक्सेस टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ओके, बहुत ही बेसिक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ओके, ऑफ एन इवेंट. ओके, सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल फेवरेबल इवेंट ऊपर रहेगा अपॉन में क्या, सॉरी, फेवरेबल इवेंट्स ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. इन द पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों इंक्लूडेड होंगे. ओके, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि probability of occurrence of an event ये इक्वल होगा total number of favorable outcomes अपान में क्या लिखेंगे, अपान में रहेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ओके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके पॉसिबल आउटकम्स से पहले क्लास से ये पढ़ते चले आ रहे हैं, ओके ये हो जाएगा वेयर। अगर मैं यहाँ पे टोटल की बात करूँ, जो यहाँ पे लिखा है टोटल वेयर, वेयर हम ऐसा कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वेयर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, पॉसिबल आउटकम्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या इंक्लूडेड होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स प्लस और क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स, ओके प्लस नंबर ऑफ या अनफेवरेबल, नंबर ऑफ अनफेवरेबल, ओके टोटल में क्या क्या आ जाएगा, फेवरेबल और अनफेवरेबल, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, ओके बहुत ही क्लियर है। तो अब देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक एन इवेंट सक्सेस की, तो रेशियो ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स दैट मीन सक्सेस अपॉन क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इसमें और इसमें बहुत अंतर है, ऑड्स अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, फेलियर टोटल इवेंट्स अपॉन सक्सेस टोटल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, टोटल इवेंट्स फेलियर और सक्सेस का रेशियो ऑड्स अगेंस्ट होता है, टोटल सक्सेस अपॉन फेलियर का जो रेशियो होता है वो ऑड्स इन फेवर होता है, जबकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल आउटकम होता है, इन द टोटल फेवरेबल आउटकम्स एज वेल एज द अनफेवरेबल दोनों आउटकम्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये अंतर है प्रोबेबिलिटी और ऑड्स में, ओके तो बहुत ही बेसिक है, इसको समझेंगे। और अगर मैं मैथमेटिकली अब थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करूं, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन हो गया, अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं कि ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट या प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो नेक्स्ट पेज से लिखेंगे, ओके तो एज ए स्टैंडर्ड हम इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अभी ये थियोरेटिकल पोर्शन था, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे, ओके लेट एन इवेंट ई, ओके लेट एन इवेंट ई, अगर मैं किसी इवेंट ई को ले ले रहा हूं, ओके लेट एन इवेंट ई, ओके लेट एन इवेंट ई, एक इवेंट ई हमने ले लिया, अकर्स इन, ओके हम ये मान लिए कि अकर्स इन एम वेज, ये एम वेज से क्या करता है, अकर करता है, ओके एक इवेंट है जो एम वेज से क्या करता है, अकर करता है, एंड इवेंट ई डज नॉट अकर इन एन वेज, ओके ये एन वेज से अकर नहीं करता है सेम पर्टिकुलर सेम इवेंट, ओके यम वेज से ये अकर करता है और एन वेज से ये अकर नहीं करता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ओके एन वेज से ये अकर नहीं करता है। तो अगर हम यहां पे देखें तो एन एस की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, एन एस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एन एस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स प्लस नॉन फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल यहां पे एम हो जाएगा और नॉन फेवरेबल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन एस की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है, एन एस की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, एम प्लस एन, ओके। अगर मैं फेवरेबल इवेंट्स की बात करूं, यानी कि एन ऑफ ई की बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, एम हो जाएंगे, और एन ऑफ ई नॉट की बात करूं, जो हमारे फेवर में नहीं है, तो कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। तो बेसिक है ये, एकदम बेसिक है कि जो हमारे फेवर में इवेंट है तो एम ऑफ ई से डिक्लेयर कर लिए, एन ऑफ ई से डिक्लेयर कर लिए, वो एम है, और एन ऑफ ई नॉट या ई कॉम्प्लीमेंट वो कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। तो ये बेसिक हो गया। अगर यहां पे हमें ये कहा जाए कि कैलकुलेट कर लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, तो हम क्या लिखेंगे, एनी बाई एन एस, क्या लिखेंगे, एनी बाई एन एस, तो एनी की वैल्यू यहां पे कितनी है, एम बाई एम प्लस एन, ओके बहुत ही सिंपल है, एनी को मैंने प्लेस किया और एन एस को मैंने प्लेस किया एम अपॉन एम प्लस एन, ओके बहुत ही बेसिक है। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई अकर, ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट अकर, तो क्या लिखेंगे, एन ऑफ ई नॉट अपान क्या लिखेंगे, एन एस लिखेंगे, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन अपान एम प्लस एन, ओके बहुत ही बेसिक है। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पे बने, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे बने। अब इसी केस में अगर हम बात करें ऑड्स इन फेवर की बात करें, ओके अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि इसी में ये बता दीजिए कि ऑड्स इन फेवर, थर्ड पॉइंट ऑड्स इन फेवर, ओके ऑड्स इन फेवर की अगर हमसे बात करें तो ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है, सक्सेस अपॉन फेलियर, ओके सक्सेस या जो इवेंट अकर करे और इवेंट ना अकर करे, यही रेशियो होता है। तो फेवर का मतलब क्या होता है, इवेंट अकर करे
तो इवेंट अकर करे और इवेंट ना अकर करे, तो इवेंट अकर कौन सा कर रहा है, एन ऑफ ई, ओके, और नॉट अकर क्या कर रहा है, एन ऑफ ई नॉट, ओके, तो सिंपल ये है ये, तो क्या लिखेंगे, ई की जगह क्या लिखेंगे, एम अपान क्या लिख देंगे, एन, दैट मीन्स कि ये रेशियो आ जाएगा एम इज टू एन, ओके। ऑड्स इन फेवर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम इज टू एन। अगर यहीं पर सेकेंड पॉइंट्स की बात करें, ऑड्स इन अगेंस्ट, ओके, ऑड्स इन अगेंस्ट, अगेंस्ट की बात करें तो अगेंस्ट में क्या होता है, पहले फेलियर रहेगा, दैट मीन्स कि इवेंट नॉट अकर, इवेंट नॉट अकर, और जो अकर कर रहा है दैट मीन्स कि सक्सेस वो कहां पे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन अपॉन एम, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा एन इज टू एम, ओके। बहुत ही सिंपल है, जब ये पूछा जाता है तो प्रोबेबिलिटी सबको आता है, ओके, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है, उसका क्या रेशियो होगा, ओके, तो सिंपल है। एनी बाई एन एस और पी ऑफ ई नॉट अकर की अगर हम बात करें तो एन ऑफ ई नॉट अपान क्या लिखेंगे, एन एस लिखेंगे, तो सिंपली इसके आगे लिखा भी होगा तो मैं इसको लिख ले रहा हूं, एन ऑफ ई की वैल्यू कितना है, एम, एम अपान क्या लिखेंगे, एम प्लस एन, और एन ऑफ ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन अपान एम प्लस एन, ओके, सिंपल है। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट हमें पता चल गया कि किस तरीके से, तो अभी जो इतना थ्योरी लिखा जा रहा था उसका सिर्फ इतना मतलब है कि ऑड्स इन फेवर में अगर बात किया जा रहा है तो हमें सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट टोटल, और ये रेशियो निकालना है, और ऑड्स इन अगेंस्ट की अगर हम बात किया जाए तो हमें ये पॉइंट्स याद रखना है कि ऊपर क्या रहेगा, फेलियर रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सक्सेस रहेगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, अब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, इसको भी ब्रैकेट में ही कर दे रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंट और ये फार्मूला, ओके, तो इसको भी मैं ब्रैकेट में ही डाल दे रहा हूँ, ओके। सिंपली अगर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करें कि ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं ताकि एक क्लियर कट थीम बन सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, राइट ऑन क्वेश्चन, फाइंड ऑड्स अगेंस्ट, फाइंड ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग सम ऑफ इट getting some of it in throwing a pair of dice, a pair of dice, okay, एक pair of dice को throw किया गया है और यहां से हमें पूछ रहा है कि odds against क्या होगा, okay, देखिए अब ये question बहुत आसान है, अगर sum of eight की probability पूछा जाता तो भी निकल जाता, लेकिन यहां पे question थोड़ा सा change किया है, ऑड्स अगेंस्ट पूछ लिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, टर्मिनोलॉजी, जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, यहां पे ऑड्स अगेंस्ट पूछा है तो इस टर्मिनोलॉजी से अगर हम वाकिफ है तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा, ओके। अब देखिए यहां पे अगर मैं आंसर को लिखना स्टार्ट करूं तो अगर इवेंट्स को मैं यहां पर लिखूं तो इवेंट्स ये है कि गेटिंग सम ऑफ एट, ओके, गेटिंग क्या होना चाहिए, गेटिंग सम ऑफ एट थ्रोइंग ए डाइस, ओके, गेटिंग सम कितना होना चाहिए, एट होना चाहिए, ये हमारा इवेंट है, इसको मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब अगर डाइस को थ्रो किया जा रहा है, ओके, डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो पहले डाइस को 6, दूसरे में भी 6, दैट मीन्स ये टोटल 36 आउटकम्स आएंगे, ओके, इस 36 आउटकम्स में मुझे वो इवेंट्स को डिक्लेयर करना है, वो इवेंट्स को फाइंड आउट करना है जिनमें पहले और दूसरे डाइस को ऐड करके जो आउटकम्स आएंगे वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अगर मैं ई को यहाँ पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करूँ तो पहले डाइस में अगर 6 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, तो भी इनका सम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बहुत ही बेसिक है। दूसरे में अगर हम देखें तो 5 आ जाए, 3 आ जाए तो भी सम 8 आएगा, 4 और 4 आ जाए तो भी सम 8 आएगा, ओके, और 3 और 5 आ जाए तो भी 8 आएगा, ओके, और 2 और 6 आ जाए तो भी 8 आएगा। यही पॉसिबल आउटकम्स हैं कि पहले और दूसरे डाइस में जो आउटकम्स आएंगे उनका सम कितना आएगा, 8 आएगा। बहुत ही क्लियर है, बहुत बेसिक है, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस किए हैं, ओके, यानी कि पहले डाइस में अगर 4 आ जाए, दूसरे में भी 4 आ जाए तो उनका सम 8 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये डिजायर्ड इवेंट है जो हमने डिक्लेयर किया है और ये हमारे काम का है। तो एन ऑफ ई की अगर बात करें कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, ओके, कितना आ जाएगा, 5, यानी कि आउट ऑफ 36
इवेंट्स में से आउट ऑफ 36 आउटकम्स में से केवल 5 हमारे काम का है, दैट मींस कि अगर मैं फेवर की बात करूं, ओके तो यहां पे फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, फेवरेबल इवेंट्स की अगर हम बात करें तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं 5, और नॉन अनफेवरेबल की अगर हम बात करें, ओके बहुत ही बेसिक है, अगर मैं अनफेवरेबल की यहां पे बात करूं, ओके तो अनफेवरेबल की अगर हम बात करें अनफेवरेबल इवेंट्स तो टोटल कितना है 36, 36 माइनस 5 दैट मींस कि 31 कितने हैं अनफेवरेबल है। तो हमें क्या करना होगा, हमें फेवरेबल अगर यहां पे अगेंस्ट पूछा है तो अगेंस्ट में क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल इवेंट्स अपॉन क्या लिखते हैं फेवरेबल, दैट मींस कि अगर मैं यहां पे लिखूं ऑड्स इन फेवर, ओके ऑड्स इन फेवर अगर हमसे पूछा जाता तो फेवरेबल अपॉन क्या लिखते, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, फेवरेबल अपॉन क्या लिखते अनफेवरेबल, तो यहां पे फेवरेबल कितना हो जाता 5/31, दैट मींस कि 5:31 आता, दिस विल द आंसर, ये पहला पॉइंट। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ऑड्स इन फेवर, ओके तो हम लिखेंगे ऑड्स इन अगेंस्ट, तो ऑड्स इन अगेंस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा अनफेवरेबल पहले रहेगा, क्या रहेगा अनफेवरेबल रेशियो क्या रहेगा फेवरेबल, अनफेवरेबल अपॉन क्या रहेगा फेवरेबल, तो यहां पे अनफेवरेबल कितना 31, कितना है 31 अपान में कितना लिखेंगे 5, दैट मींस कि अगर रेशियो की बात करें 31:2 कितना हो जाएगा 5, दिस विल द आंसर, ओके दिस विल द आंसर। तो बहुत ही बेसिक है, आसान भी है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ओके okay? अच्छा, फेवर का मतलब होता है सक्सेस, अनफेवर का मतलब क्या होता है फेलियर, तो आप जैसे चाहें वैसे भी कर सकते हैं। तो फेवर में 5:31 और अनफेवर में अगेंस्ट में कितना हो जाएगा 31:5। तो अब ये ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ये दे देगा कि 31:5, ऑप्शन नंबर बी दे देगा 5:31, ऑप्शन नंबर सी दे देगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे देगा 31:1, ओके ऑप्शन नंबर डी दे देगा 9:30, ओके तो अब हमें पूछा है कि ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके ऑड्स इन फेवर अगर पूछता तो 5:31 कितना आ जाता 31। बहुत ही ऑब्वियस है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मुझे डिस्कस करना था कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस पे आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, ITJEE में भी पूछा जाता है, ओके मेंस में, ओके अच्छा एक टॉपिक और है इसमें कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी से ऑड्स में मूव करेंगे और ऑड्स से कैसे प्रोबेबिलिटी में मूव करेंगे, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके अगर मैं एज ए टूल यहां पे लिखूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ओके अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, ओके प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी, ओके प्रोबेबिलिटी टू ऑड्स में कैसे हम मूव करेंगे, ऑड्स का मतलब क्या हो गया ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट, जो भी होगा, ओके तो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है उससे हम इसमें कैसे मूव करेंगे, ओके तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें और उसी के माध्यम से हम डिस्कस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूं कि गिवन प्रोबेबिलिटी, ओके गिवन प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है कितना 5/13, ओके देन फाइन then find odds, odds को find out करना है। अब odds in favor भी हो सकता है, odds in against भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो depend करता है ratio कैसे मुझे निकालना है, लेकिन probability से किस तरीके से move करेंगे वो हम समझेंगे। तो P of E, probability of occurrence of event E क्या होता है, everybody know about this, okay? P of E equal to क्या होता है N/NS, क्या होता है N/NS, ये होता है, और इसको हम बोलते हैं favorable events, okay? favorable events अपान में क्या लिखते हैं टोटल आउटकम्स, अपान में क्या होता है टोटल आउटकम्स। अब हमें दिया है, ओके अब पी ऑफ ई दिया है, ओके पी ऑफ ई गिवन है हमें कितना 5/13, ओके यानी कि हमारा यहां से अगर हम देखें तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, अगर मैं यहां से देखूं तो फेवरेबल इवेंट्स हमें मिल जाएगा, फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे 5, ओके ध्यान से देखिए फेवरेबल इवेंट्स कितने मिल जाएंगे 5, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स इसमें कितने हैं 13, टोटल आउटकम्स कितने हैं 13, तो यहां पे अनफेवरेबल कितने हो जाएंगे, अनफेवरेबल हमारे हो जाएंगे, अनफेवरेबल की बात करें तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 5, टोटल माइनस फेवरेबल दैट मीन्स 8, कितना आ गया 8 आ गया, यानी कि अनफेवरेबल कितना आ गया 8। अब ऑड्स की बात की जा रही है, ऑड्स में दो सिचुएशन है, ऑड्स में ऐसा होता है फेवरेबल रेशियो अनफेवरेबल, रेशियो अनफेवरेबल, या इसी में
अब देखिए फेवरेबल रेशियो अनफेवरेबल लिखने का हमारा आशय ये है कि अगर हमें ऑड्स इन फेवर पूछता तो फेवरेबल रेशियो अनफेवरेबल लिखते, अगर ऑड्स इन अगेंस्ट पूछता तो अनफेवरेबल रेशियो क्या लिखते, फेवरेबल। तो यहाँ से फेवरेबल कितना हो जाएगा, 5:8। ओके, तो ऑड्स की अगर हम बात करें तो ऑड्स हमारे पास कितना आ गया, 5:8। ओके, बहुत ही आसान है। अब ये फेवरेबल का केस लेके हमने किया है, यहीं पे हमसे ये भी पूछ सकता था कि ऑड्स इन अगेंस्ट, तो जैसा आपसे पूछा जाएगा वैसा आप कर लेंगे। ओके, तो दिस विल द आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसमें ऐसे मूव करना है। ओके, आगे अगर हम लोग देखें इसी के आगे, अगर मैं और दूसरा टॉपिक ले रहे हैं कि ऑड्स से प्रोबेबिलिटी में कैसे मूव करेंगे। ओके, जैसे एज ए टूल हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ऑड्स गिवन है हमें, ऑड्स से हमें कहां पे मूव करना है, प्रोबेबिलिटी में, कहां पे मूव करना है, प्रोबेबिलिटी में। तो ऑड्स से प्रोबेबिलिटी में मूव करेंगे तो अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे ले ले रहा हूं ताकि क्लियरिटी आ सके। राइट एंड क्वेश्चन, गिवन ऑड्स दिया है 9:21। ओके, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, इन्हीं टॉपिक्स को यूज करके बड़े कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस इन्हीं को यूज करके बनाए जाते हैं, तो आपको ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। ओके, तो ऑड्स गिवन है, तो ऑड्स की अगर हम बात करें तो ऑड्स होता क्या है, ऑड्स ये होता है कि फेवरेबल, ओके, फेवरेबल रेशियो क्या होता है, अनफेवरेबल, क्या होता है, फेवरेबल रेशियो अनफेवरेबल। दैट मीन्स कि फेवरेबल कितना है 9, अनफेवरेबल कितना है 21। तो टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो टोटल आउटकम्स यहां से कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम्स होता क्या है, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। टोटल आउटकम्स क्या होता है, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। ओके, इवेंट्स, तो 9+21 दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 30। दैट मीन्स कि ये हमें क्या मिल गया, टोटल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, एनएस। टोटल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, एनएस यहां पे हमें मिल गया, एनएस मिल गया। और ई को डिक्लेयर करना है तो अगर ई की बात करें तो ई का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब क्या होता है, फेवरेबल। एनी का मतलब क्या होगा, फेवरेबल। अब फेवरेबल यहां पे कितना है, 9। तो एनी हमारे पास आ गया, एनएस आ गया। तो पी ऑफ ई की अगर हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, तो क्या लिखेंगे, एनी बाई क्या हो जाएगा, एनएस। दैट मीन्स कि 9/ कितना हो जाएगा, 30। दिस विल द आंसर, 9/ कितना हो जाएगा, 30। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3/10 लिख सकते हैं। ओके, 3/10, दिस विल द आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमने ऑड से किस तरीके से प्रोबेबिलिटी में मूव किया ये भी आपको पता है, और प्रोबेबिलिटी से किस तरीके से ऑड्स में मूव किया ये भी पता है। ओके, तो बहुत ही बेसिक है। और एक क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, टॉपिक को थोड़ा विराम देंगे, फिर कल से मैं कुछ नया स्टार्ट करूंगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑड्स इन फेवर और अगेंस्ट पे। ओके, राइट नो क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विनिंग इज 80%। ओके, इंडियन टीम की मैच की विन करने की क्रिकेट में 80% चांस है। ओके, देन व्हाट आर देयर ऑड्स अगेंस्ट विनिंग। ओके, ऑड्स अगेंस्ट विनिंग, तो सेम वही लॉजिक को हम यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे हमें ये गिवन है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विन की बात करें, यानी कि मैच के विन की बात करें प्रोबेबिलिटी, तो कितना 80% है। और यहीं पे अगर मैं ऐसा डिक्लेयर करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन, तो एवरीबडी नो अबाउट दिस कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। और किसी भी चीज के विन करने के और नॉट विन करने का भी सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे परसेंटेज में है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 100% माइनस कितना, 80%। ओके, तो कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 100% और इसको कितना ले लेंगे, 80%, तो इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन कितना आ जाएगा, 20%। अच्छा, जो विन कर रहा है इसको हम क्या लिखेंगे, सक्सेस।
या फेवर लिखेंगे, क्या लिखेंगे फेवर, और ये इसको क्या लिखेंगे नॉट सक्सेस या फेलियर लिखेंगे, क्या लिखेंगे फेलियर लिखेंगे, या और करके इसको क्या लिखेंगे अनफेवर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अनफेवर। अब हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि यहाँ पे हमें बता दीजिए कि ऑड्स अगेंस्ट, तो क्या लिखा है ऑड्स अगेंस्ट की बात कर रहा है। ओके तो ऑड्स अगेंस्ट अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो ऑड्स अगेंस्ट में क्या लिखेंगे फेवर, फेवरेबल अपान क्या लिखेंगे अनफेवरेबल, फेवरेबल अपान क्या लिखेंगे अनफेवरेबल लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन कितना लिखेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन 20। अच्छा फेव अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, ओके अगेंस्ट यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, अगर मैं इसको फेवर की बात करूँ, ओके थोड़ी देर के लिए मैं फेवर की बात कर ले रहा हूँ, ये फेवर ओके ऑड्स फेवर की, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर की अगर हम बात करें तो 80 अपॉन 20 दैट मीन्स की 4:1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमसे पूछा ये नहीं है, हमसे ये पूछा गया है कि ऑड्स अगेंस्ट, ओके ऑड्स अगेंस्ट की अगर हम बात करें तो अगेंस्ट का मतलब क्या होगा, पहले अनफेवरेबल होगा, क्या होगा अनफेवरेबल या फेलियर होगा, अनफेवरेबल अपॉन में क्या होगा फेवरेबल, या इसी को हम लिखते हैं फेलियर अपॉन में क्या लिखेंगे सक्सेस, फेलियर अपॉन क्या लिखेंगे सक्सेस, दैट मीन्स कि 20/80 कितना लिखेंगे 80, 20/80 को कितना लिख सकते हैं 1:4, ओके कितना लिखेंगे 1:4। कितना लिखेंगे 1:4, दिस विल द आंसर, दिस विल द आंसर। ओके तो बहुत ही बेसिक है, इसमें बहुत ज्यादा झिकझिक नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर फेवर की बात कर रहा है तो फेवर का टोटल इवेंट्स ऊपर रहेगा और अनफेवर का कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, और अगर अगेंस्ट की बात कर रहा है तो अनफेवर दैट मीन्स कि फेलियर ऊपर रहेगा और सक्सेस कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ये पता ही होता है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन क्या लिखते हैं टोटल आउटकम्स। ओके तो बहुत ही आसान था ये टॉपिक, तो आज ये खत्म हो गया, कुछ नया स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक्स में या लेक्चर्स में हम बात करें तो कुछ नया स्टार्ट करेंगे जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड होगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, किसी कारणवश कुछ दिन क्लास बाधित थी अब ये रेगुलर क्लास चलेगी। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ी देर में वीडियो का डिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे तो उसमें नोट्स का लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ से आप PDF फॉर्मेट में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। ओके तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।